اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وَنْفَعْنَا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وزكائنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين آمين يا رب طهارتك أحكام احکام اور اس متعلقة, اس متعلقة مسائل ये हमारा दूसरा सेशन है और आज हम ज्यादातर उन अहकाम को तफसील से देखेंगे कि तहारत जिसमानी तहारत से मुतालिक जितनी भी चीजें हैं उसमें तफसीली बहस होगी तरतीब के साथ तो तहारत का लफ्ज जब हम कहते हैं तो जैसा कि पहले भी बयान किया गया कि तहारत के लोगवी मानी हैं और तहारत के असतलाह ही मानी है और तहारत के लोग भी मानी होंगे जाहिर और बातनी गंदगी से पाकिजगी और सफाई हासिल करना और तहारत के शरी मानी या शरि तारीफ ये होगी कि नापाक चीज को या नापाकी को खत्म करना और नजासत को दूर करना नजासत दरअसल नापाकी है इसकी तफसील आगे चल के आएगी और नापाकी की भी कई किस्में हैं तो इसमें हम देखेंगे कि नापाकी को खत्म कैसे किया जाए और नजासत को जायल कैसे किया जाए अगरचे नजासत इंसान के बदन पर लगी हो या उसके कपड़े पर लगी हो या किसी जमीन या किसी जगह पर लगी हो भारत की दो किस्में हैं तहारत की एक किस्म जाहरी तहारत है मसलन पानी से वजू करना गसल करना बदन पर लगी हुई नजासत को साफ करना इसके अलावा कपड़ा जिसम और जगह को नजासत से पाक करना ये ज़ाहरी तहारत फिक्र की अतलाह में कहलाई जाती है और फिर दूसरी किस्म उसकी बातनी तहारत है इनर तहारत और शरीयत ने उसके लिए एक उसूल बनाया है वो है कि अतखलिया तो कबल तहलिया ये एक टर्म है फ़िक की अ तखलियत कबल तहलिया के तहलिया यानी एडोनमेंट खूबसूरती मुजयन करना तजीन करना सजाना संवारना ख़ूबसूरत बनाना नापाकी को दूर करके पाकी हासिल करना ये हासिल करने से पहले तखलिया ज़रूरी है यानी अपने आप से नजासत को या गंदगी को दूर कर देना ये जरूरी है और इस उसूल के तहत एक बहुत अहम मिसाल दी जाती है कि अगर किसी भी बर्तन में शहद डालना हो और वो बर्तन या प्याला गंदा हो और शहद जैसी कीमती खालिश चीज उसमें डाली जानी हो तो क्या किया जाएगा पहले उस बर्तन की सफाई का अहतमाम होगा फिर उसके अंदर शहद डाला जाएगा बिल्कुल इसी तरह से जाहिरी तहारत या जिस्मानी तहारत हासिल करने से पहले बातिन की तहारत हासिल करना एक मोमिन और एक मुसलमान मर्द और, और औरत के लिए बे इंतहा जरूरी है और तखलिया क्या है तखलिया जिसका जिक्र पिछले सेशन में काफी तफसील से हुआ था लेकिन इसको मुख्तसरा फिर से देख लेते हैं के दिल को और दिमाग को बुरी, बुरे बुरे ख्याल बुरी खसलतों से पाक करना मसलन शिरक कुफर हसद गिबत चुगली निफाक बुखल और इस रिया इन सब अयूब से पाकि या तहारत हासिल करना और उसके बाद जब इस पहलू पे काम हो जाए या इस चीज़ को देख लिया जाए और फिर उसके बाद तौहीद, ईमान यकीन सच्चाई इखलास अल्लाह सख़ावत गना दर्दमंदी एहसान वगैरह के वो औसाफ के जिनको अब अंदर भरना है ये शहद है जिसको उस प्याले में डाला जाना है और इन सब को हासिल करने के साथ साथ मोमिन मर्द और मोमिन औरत का ये शेवा है ये उसका तरीक़ा है ये उसका दस्तूर है कि वो इसके साथ साथ कसरत से तोबा ताला के जिक्र से मुसलसल अपने लिए कामयाबी और अपने नजात के लिए कोशिश करता रहता है तहारत और सफाई की अहमियत इस्लाम के अंदर दीन इस्लाम का पहला सबक ही तहारत से शुरू होता है जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया कि दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए तहारत जरूरी है और उसके बाद फिर जब इस्लाम के अंदर दाखिल होके इस्लाम के अरकान के ऊपर अमल किया जाएगा तो उसके लिए भी तहारत जरूरी है और उसमें सिर्फ एक तहारत नहीं है बल्कि जिस्म की तहारत लिबास की तहारत जगह की तहारत ये तीन बुनियादी चीजें हैं किसी भी इस्लाम में दाखिल होने के बाद किसी भी इबादत को अदा करने के लिए मसलन नमाज ही को ले लीजिए तो नमाज की अदायगी के लिए तीन चीजें जरूरी हैं जिसम की तहारत लिबास की तहारत और जगह की तहारत अगर कोई इंसान जिसम को पाक साफ कर लेता है वजू कर लेता है और जिसम से मुराद यानी अगर गसल वाजिब है तो गसल कर लेता है और गसल के बाद अगर गसल वाजिब नहीं है तो सिर्फ वजू कर लेता है दोनों शक्लों में गसल कर ले या वजू कर ले उसने पाकी तो हासिल कर ली उसका जिसम अब पाक है लेकिन अगर उसका लिबास पाक नहीं है तो नमाज अदा नहीं होगी इसी तरह से अगर उसने जिसम पाक साफ कर लिया लिबास भी पाक पहन लिया लेकिन जिस जगह पर खड़ा है वो नजस है वो नापाक है तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी उसकी नमाज नहीं हो सकती तो ये तीन चीजें जो हैं फिक के अंदर बहुत बुनियादी अहमियत रखती हैं और बुनियाद हैं और इन तीनों चीजों को हासिल करने के लिए मुसलमान के अंदर इसका एक शौरी एहसास होना उसको ये महसूस करना के वो ये तहारत क्यों हासिल कर रहा है किस लिए हासिल कर रहा है और इसकी अहमियत क्या है ये बहुत ही अहम है बल्कि इस्लाम तो इस मामले में इंतहाई हसास है यानी बहुत सेंसिटिव है इस मामले में कि ऐसा खूबसूरत तहारत का तस्वुर एक मोमिन मर्द और एक मोमिन औरत की जिंदगी में दाखिल हो जाता है इस्लाम को समझने के बाद कि वो अपने जिस्म और रूह की कैफियत को उस वजू और उस तहारत के बाद एक बहुत मुख्तलिफ कैफियत से गुजरता है एक मुख्तलिफ चीज पाता है मसला अगर उसका जिस्म किसी भी तरह से नापाक है चाहे उस नापाकी की रीजन कोई भी है आगे चल के इसकी तफसील आएगी उसके ऊपर गौसल वाजिब है मुमकिन है उसकी उसको हैज़ो नफास हो या और भी कुछ शक्लें हो सकती हैं जिन जिन शक्लों में भी उसके ऊपर गौसल वाजिब होता है जब तक वो उस गसल को हासिल नहीं कर लेता तौर पर वो बेचैन रहता है और एक अजीब तरह का एहसास उसके अंदर रहता है कि ये गसल जो मेरे ऊपर वाजिब था वो मैंने हासिल नहीं किया है चाहे वो कितनी ही ताहिर जगह पे बैठा हो चाहे उसने लिबास कितना ही पाकिजा पहन लिया हो लेकिन इस्लाम वो दीन रहमत है जो उसको ये एहसास और शूर देता है कि वो यानी उसके जिसम पे कोई गिलाजत भी नहीं लगी लेकिन उसको पता है कि जिस हालत में इस वक्त वो है वो नापाकी की हालत है और ये नापाक उसके जहन के अंदर रहती है और उसको एहसास दिलाती रहती है कि उसने कोई काम करना है और जो उसके लिए लाजिम और जरूरी है तो ये है वो दरअसल एहसास के जो हमें इस्लाम देता है अब जब पानी मैसर है तो पानी से तहारत हासिल की जाएगी पानी के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे तहारत हासिल की जा सकती है सिर्फ और सिर्फ पाक पानी से तहारत हासिल की जा सकती है और अगर पानी मयसर नहीं है तो फिर भी इस्लाम ने तहारत के इस तस्वर को कायम रखा है किस शक्ल में तयम की शक्ल में हालांकि अगर देखा जाए तो सिर्फ मिट्टी के ऊपर हाथ इतना सा लगा के और एक जिसम के कुछ हिस्सों पे मसाह कर लिया जाए तो उससे तहारत तो हासिल नहीं होती पानी से तहारत तो वाकई होती है कि आप देखते हैं नजाशत ज़ाहल हो गई जिसम से पसीना बुदबू चली गई कपड़े के ऊपर अगर नजाशत लग गई थी वो दूर हो गई वो सारी शक्लें नजर आती हैं लेकिन मसाह से या तयम से वो वाली कैफियत नहीं मिलती लेकिन इस्लाम इस शुरू को कायम रखना चाहता है कि मोमिन बाशर रहे कि उसको तहारत हर सूरत में हासिल करनी है तो पानी अगर मैसर नहीं है तो फिर वो मिट्टी से तयम करेगा और उससे तहारत हासिल करेगा और इसके साथ साथ जब ये वाकफियत मिलती है ये अवेयरनेस मिलती है कि इस्लाम के अंदर तहारत की कितनी अहमियत है तो फिर जो एक और चीज़ मोमिन की जिंदगी के अंदर आती है वो है दरअसल सादत और शुक्रगुजारी का जज्बा कि शुक्र अल्लाह तआला ने उसको ये तौफीक दी है कि उसको ये समझ हासिल हुई है कि उसने अपनी नापाकियों से या अपनी नजासतों से तहारत हासिल कैसे करनी है और कैसे अपने आप को पाक करना है और अदब का तकाज़ा ये है कि नापाकी का गुस्ल कर लेना और उसके बाद फिर वजू करके सुबहान तौर के अंदर आ जाना यह दरअसल अल्लाह साथ अदब का तक यानी ये और भी ज्यादा अहम चीज हो जाती है कि एक तो है कि इंसान तहारत हासिल कर ले और दूसरा है कि इंसान यह समझे कि वाकई मैं उस हस्ती के सामने इस हालत में जा ही नहीं सकती हूँ खड़ी ही नहीं हो सकती हूं जब तक कि मैं तहारत हासिल नहीं कर लूंगी तो अल्लाह सुबहाना का अदब यह है कि उसकी हुजूरी को उसकी प्रेजेंस को महसूस किया जाए और तहारत के तमाम आदाब को सामने रखा जाए अब देखिए जब मजीद का हम मुताला करते हैं तो नमाज कितना अहम फरीजा है और बहुत मकामात पर कुरान मजीद में नमाज का हुक्म मिला लेकिन नमाज की अदायगी की तफसीली शक्ल हमें कुरान मजीद में नहीं मिलती है लेकिन वजू करने का तफसीली तरीक़ा हमें मजीद में मिलता है और तयम का भी तफसीली तरीका हमें मजीद में मिलता है यानी इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि इसको तफसील से बयान किया गया है और सूरा की आया नंबर छः है या आमनु यादीना आमनुम तुम सलातीफिकाबी अब यहां तक तो हो गया एक तरीका बता दिया गया कि जब नमाज के लिए खड़े हो तो तुमने इस तरह से वजू करना है फिर उसके बाद ये बताया वह इनकुन तुम जुनूबन फता ये आम हालात थे कि जिसम पाक है लेकिन नमाज के लिए आ रहे हो तो वजू करके आओ लेकिन अगर ऐसी कैफियत है कि जिसमें जनाबत है और मैं थोड़ा सा यानी ये टर्म्स शायद कुछ लोगों के लिए स्पेशली बच्चों के लिए मुश्किल हो कि जनाबत क्या है जनाबत दरअसल मिया बीवी का ताल्लुक है जिसके बाद एक गसल एक मोमन मर्द और, और औरत के ऊपर फर्ज होता है उसको जनाबत का गसल कहते हैं तो ये लफ्स अब बार बार आएगा इसलिए इसको एक्सप्लेन करना जरूरी था व इनकुन तुम जुनूबन अगर तुम जनाबत की हालत में हो और गसल तुम्हारे ऊपर फर्ज है तो फिर क्या है खत हारू तुम तहारत हासिल कर लो क्या मतलब यानी गसल कर लो इस तहारत से मुराद यानी गसल होगा और फिर फरमाया वन तुम मरद और अगर तुम बीमार हो औ तुम्हें सफर दरपेश या तुम में से कोई अपनी जो जरूरी जरूरियात जिंदगी है उनसे फारिग होके आया है यानी पेशाब या पखाना टॉयलेट से फारिग होकर आया है तो उस सूरत में फिर क्या है सफर की हालत है पानी मौजूद नहीं है या जनाबत हो गई है या गसल फर्ज हो गया है मसलन औरतों का गुसल यानी फर्ज की शक्लें कोई भी सूरत हो सकती है तो उसमें तुम क्या करोगे फलम अगर तुम्हें पानी नहीं मिल रहा पानी है तो गसल करना है लेकिन पानी नहीं मिल रहा तो फिर फम ममू साद तयबा कि तुम पाकिजा मिट्टी से तयम कर लो यानी यानी रुखसतें मौजूद हैं लेकिन रुखसत देते हुए भी दरअसल यहां पर जो रुखसत दी गई है मोमिन को उसमें भी जो कॉन्सेप्ट है तहारत का उसको कायम रखा गया है उसको हट, हटने नहीं दिया गया है कि ये नहीं हो सकता कि अब मजबूरी है पानी नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं है जायज़ है कि तुम नमाज पढ़ लो नहीं बल्कि तुम पाक मट्टी से तयम करो और फिर उसके बाद तुम तहारत ताहिर हो जाओगे और फिर तरीका बता दिया फमसह बेवजू ही कुम वायदी कुम मिन हो अब ये मसह यानी तयम का तरीका है मसह कैसे किया जाए तयम का मुफसल तरीका इनशाला आगे चल के आएगा इसलिए मैं इसकी तफसील यहाँ पर नहीं बताऊंगी पूरा चैप्टर है जिसमें कि तयम कैसे किया जाए उसके बाद फरमाया और ये आयत बहुत अहम है ये आयत दरअसल पहली आयत का लुबे लुबाब है नचोड़ है अल्लाह से खानो कहते हैं मा यूरीद मा यूरीद लिया जलाज अल्लाह सुफान का मंशा ये नहीं है वो ये नहीं चाहता है कि तुम्हें खाम खा की तकलीफ में डाले तुम्हें किसी मुशक्कत में डाले तुम्हारे ऊपर कोई ऐसे इजाफी या जबरी बोझ डाल दे वाला की सोचें जरा इस आयत के ऊपर वीदु लियो उसने ये जो फिक बनाई उसने ये जो कवायद बता दिए उसने ये सारी चीजें जो बता दी हैं ये इसलिए नहीं है कि तुम मुशक्क़त में पढ़ो बल्कि वो तुम्हें पाक करना चाहता है वो तुम्हारी तहारत चाहता है अब वही बात जो किसी दफ़ा हमने सीखी है कि तहारत जाहिर की भी और बातिन की भी दोनों तहारतें इसमें आ जाएंगी वला की और वो ये भी चाहता है कि वो अपनी नेमतों का तुम्हारे ऊपर इतमाम कर दे अपनी नेमतों को तुम्हारे ऊपर मुकम्मल कर दे तो मालूम ये हुआ कि ये जो तहारत के आदाब हैं और ये जो फिक्र है ये दरअसल अल्लाह सुखान व तला की एक बहुत बड़ी नेमत है और ये सिखा के उसने आला आला के से हमारे ऊपर अपनी नेमत को मुकम्मल किया है और तहारत के बगैर हमारा दीन मुकम्मल नहीं हो सकता और फरमाया कि लियुतहिरकुम व लियुतिम्म नियमतहु अलैकुम और फिर आखिरी बात और भी ज्यादा अहम है वो क्या है लअल्लकुम तशकुरून कभी वुजू वुजू कर लेने के बाद शुक्र अदा किया अल्लाह तेरा शुक्र है पानी भी मयसर था वुजू करने की तौफीक भी नसीब हो गई कभी गुस्ल लेने के बाद कभी शुक्र अदा किया उसका यानी उस कैफियत के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह पानी मयसर था गर्म पानी मयसर था और जितनी दफा मर्जी वो गोसल कर लो दिन में एक दफा कर लो गर्मी लगी तो दो दफा कर लो हफ्ते में एक दफा कर लो दो दिन के बाद कर लो तो आखिर में क्या कहा पूरी आयत को अगर आप उससे पढ़ें देखें ताकि तुम शुक्र अदा करो यानी अल्लाह से तुम्हें अपने सामने शुक्र देखना चाहता है और ये जो उसने कवायद दिए तरीके दिए फिक दी समझ दी बनाए, बनाए, कवायद बनाए, जो कुछ भी तुम्हें सिखाया जा रहा है तुम्हारे भले के लिए तुम्हारा ही इसमें फायदा है तो ये नुकता इसमें बहुत है कि वो ज़िंदगी को तुम्हारे लिए तंग नहीं करना चाहता उसने जो भी कवायद दिए हैं जो कानून बनाए हैं तुम्हारी ही बेहतरी के लिए इसमें तुम्हारे लिए ओके other... okay. तो जो चीज हम समझ रहे थे वो ये कि गुसल और वजू और तयम के अहकाम देकर वो तुम पर जिंदगी को तंग नहीं करना चाहता ये कोई कैद नहीं है बल्कि ये तो रहमत है कि अल्लाह सुफ़ान तला ने हमें ढंग और तरीके सिखा दिए कि हम कैसे पाकिजा हों और कैसे उसका शुक्र अदा करें मदीना मुनवरा के करीब एक बस्ती है जिसका नाम कोबा है और आप सब जानती हैं उसके बारे में कोबा की वो बस्ती के जिसने सबसे पहली इस्लामी मस्जिद क़ायम हुई और रसूल सल्ला मस्जिद मदीना मनवरा में दाखिल होने से पहले वहाँ आए थे वहाँ के लोग अपनी तहारत का इतना ज्यादा एहतमाम किया करते थे कि उनके हक में अतौबा की आया नंबर एक सौ आठ नाजिल हुई है व युबुल ये आयत जो है ये उन लोगों के एजाज में उतरी है कि उसके अंदर ऐसे लोग रहते हैं कि जो ये पसंद करते हैं कहीं ये हरू कि वो पाकिजा रहें और अल्लाह सुनो पसंद करता है तौबा करने वालों को और मोताहरीन को जो इरादतन ताहिर होते हैं नीयतन ताहिर होते हैं इरादे और नीयत से तहारत हासिल करते हैं मोताहिर ये बाप तफ़ाउल और तफाउल का फ़र्क है कि यानी वो के जो खुद से इरादतन जो है वो पाकिजगी हासिल करते हैं इस सिलसिले में भी एक चीज खुतिन के मसाइल से मुताल आगे चल के आएगी जहाँ पे हैजो नफाज का गसल है वहां पर एक अहम नुकता बयान किया जाएगा तो यहाँ पर जो दो लफ्ज आए हैं इस आयत के अंदर उसमें तवाबीन और मुतहरीन तो अहिल ये कहते हैं कि तवाबीन तोबा दरअसल रूह की तहारत का सामान करती है और पानी जिसम की तहारत हासिल करने का सबब बनता है तो अगर ज़ाहरी तहारत हासिल करनी है तो पानी से की जाए और अगर रूह को धोना है तो फिर तोबा से सच्ची तोबा से रूह को धो लिया जाए अब इस पहलू पर भी गौर कीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही तो आई हरा के अंदर उसके बाद जब दूसरी वही आई थी और जहां से दरअसल सिलसिला का आगाज हुआ था उसमें जो सबसे पहला हुक्म था उनके लिए कि अब तुम नबुअत की बड़ी जिम्मेदारी को उठाने जा रहे हो तो पहले क्या करना होगा और आपको सबको मालूम है कि वो आयत कौन सी है वह अल मुद्दसर की शुरू की आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रन रहीम या मुद्दसर कौम फिर और अब का फकबिर वसी या देख लीजिए कितनी अहमियत है यानी शुरू में ही जो एक तालीम दे दी गई जिस तरह से तरबियत कर दी गई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और फिर जिस नहज पर जिस पैटर्न पर उन्होंने अपनी उम्मत की तरबियत की वो पहला सबक है तहारत का जो सिखा दिया गया वसिया तुम अपने कपड़ों को पाकिजा कर लो तो मालूम यह होता है कि इस्लाम की जो खूबसूरत इमारत है उसकी बुनियाद तहारत पर कायम की गई है अब ये हम तफसील से देख चुके हैं कि तहारत के अंदर फिर जहनों की तहारत है सोचों की तहारत है गज़ा की तहारत है जुबान की तहारत है दिल की तहारत है पेट और उसके अंदर की चीज़ों की तहारत है ये सारी तहारतें जो हैं वो साथ साथ चलती चली जाएंगी और उनको किसी भी सूरत में हमने अपने जहन से हटने नहीं देना है वो सब साथ रहनी चाहिए रसूल सल्ला वम की जिंदगी में जो अनगिनत वाकयात बेशुमार वाकयात तहारत से मुतल और उनकी तरबियत और उनकी नसीहत जो मिलती है ऐसे एहतमाम से उन्होंने अपने सहाबा के राम को और सहाबियात को तहारत के आदाब सिखाए कि वो बद्दू के जो सहरा के रहने वाले थे जहाँ पानी भी नहीं मिलता था उनके अंदर जहाँ सफाई का और तहारत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था बहुत थोड़े वक्त में वो इतने ट्रेंड हो गए थे इतनी उनकी उमदा तरबियत हो गई थी कि नक्शा ही बदल के रह गया एक दफा रसोल सल्ला वम के सामने एक सहाबी आए जिनके बाल बहुत बिखरे हुए थे यानी बालों को उन्होंने अच्छे से साफ नहीं किया हुआ था तो उनकी इस हालत को देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नापसंद किया और फिर फरमाया कि ऐसे बालों का बिखरा होना दरअसल शैतानी फेल है और फिर उन्हें हुक्म दिया कि वो अपने बालों को संवारें फिर इसी तरह से एक और सहाबी आए और उनके कपड़े बहुत मैले कुचैले थे और ये तस्वुर उस वक्त भी था कि रहबानियत दरअसल कपड़ों के फटे पुराने और मैले कुचैले होने में है और ये आज भी है कि जो जितनी गंदी शक्ल हुलिया बना के रखे और मालाएं जो है गले में डाल ले और लिट्टे उसकी लटक रही हो और ना उसकी मूंछे तराशी हुई हो ना उसकी दाढ़ी कोई साफ सुथरी हो वो दरअसल अल्लाह वाला समझा जाता है तो ये तस्वुर उस वक्त भी था और अब भी है तो एक सहाबी अः खिदमत में हाजिर हुए और उनके मैले कुचैले लिबास को देखकर रसूल सल्लाम का चेहरा मुबारक चेहरे से आसार ही पता चल गए कि उनको देख वो खुश नहीं हुए हालांकि रसूल वसल्लम की मुलाकात वो तो वैसे ही मुस्कुराते थे बहुत ज्यादा लेकिन कोई उनकी उनसे मुलाकात के लिए आए वो उसको देखकर मुस्कुराए नहीं ये नहीं हो सकता लेकिन चेहरा जो है वो बदल गया नापसंद फरमाया और फिर उनसे कहा कि क्या तुम्हारे पास कुछ माल नहीं है उन्होंने झट से जवाब दिया कि ऊँट है घोड़े हैं बकरियां हैं गुलाम हैं या रसूल अल्लाह सब कुछ है मेरे पास सब कुछ है रसोल सल्ला ने फरमाया तो फिर तुम्हारी ये हालत और तुम्हारा ये रहन सहन इससे तो अल्लाह ताला की नेमतों का इजहार होना चाहिए पता चलना चाहिए कि तुम्हारे पास ये सब अल्लाह ताला की नेमतें ने हैं किस अच्छे तरीके से उनकी तरबियत फरमाई है और रसोल स की अपनी तबीयत के अंदर तहारत और नजाफत यानी सफाई दोनों इसके अंदर आ जाते हैं एक तहारत है यानी नजस से अपने आप को पाक करना और दूसरा है कि ज़ाहरी सफाई और नफासत इस कदर थी कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम इसका बहुत अहतमाम फरमाया करते थे आज कोरोना ने यह सबक सिखाया कि घर आते ही पहले क्या करो हाथ धो लो और मुंह साफ कर लो कुल्ली कर लो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह उस मुबारक था सय्यदा आयशा सिद्दीका से किसी ने पूछा कि जब अलैहि वसल्लम घर से घर के अंदर आया करते थे तो पहला काम क्या किया करते थे फरमाया वो आते ही हाथ धोते थे और मिसवाक करते थे अच्छा जब बाहर जाया करते थे तो क्या किया करते थे मिसवाक करते थे और हाथ धोते थे सुफहान अल्लाह तो ये था वो उसवा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौरान सफर जिसको आप कह सकते हैं वॉशिंग उसको क्या कहते हैं वॉशिंग बैग हो या उसको किट कहें जो कुछ भी कहें वो हमेशा तैयार रहती थी अलैहि वसल्लम की उस बैग के अंदर या उस किट के अंदर उनकी मिसवाक तेल कंगी, सुरमा खुशबू कैंची और आईना हमेशा रहा करता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी इतना अहतमाम था रसूलुल्लाह वसल्लम के यहाँ और फिर खुशबू बे इनतहा पसंद थी और खुशबू का तोहफा कबूल भी किया और खुशबू का तोहफा देना पसंद भी किया इतना ज्यादा तमाम था और खुशबू बहुत कसरत से इस्तेमाल भी करते थे बालों में तेल लगाया करते थे कंगी भी किया करते थे अपने लिबास को साफ किया करते थे सुखान अल्लाह आम हालात से हट के अगर हम सिर्फ आखिरी हज की रुदात पढ़ें तो पता चलता है कि रसूलुल्लाह वसल्लम ने उस सफर के दौरान कितने गुस्ल किए किस तरह से इतना खूबसूरत वो एक सफ़र है कि जिसको बहुत करीब से और बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए रसोल्ला वलम मुंह और दांतों की सफाई का इस कदर अहतमाम करते थे कि हर वजू में मिसवाक को इस्तेमाल करना उनका मामूल था ये बातें आप सबको पता है ये तो हर वजू यानी फर्ज नमाजों को अगर पांच वो कर लें ये तो पांच वक्त है ना लेकिन इसके अलावा क्या रसोल्ला वसलम कोई और नमाज नहीं अदा करते थे कितनी सारी नमाजें वो अदा करते थे तहजुद की और उसके बाद चाश्त या इशराक वो नमाज भी है फिर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम जब सोकर उठते तो मिसवाक किया करते थे जब घर से बाहर जाते तो मिसवाक करते जब घर के अंदर आते तो मिसवाक करते अगर हम इसको काउंट करने लगे ना तो कमस कम अज कम कम अज कम एक दिन में वो दस मरतबा दान साफ करते होंगे यानी मोहतात अंदाजे के मुताबिक एक दिन में कमो बेश दस मरतबा वो दान साफ करते होंगे और हम में से हर कोई कितनी दफा करता है जरा देखें कभी एक कभी दो कभी तीन मैक्स जो है गया तीन दफा हो गया लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से अपने दांतों को साफ किया करते थे अल्लाह एक और बहुत खूबसूरत वाक़ मैं आपको बताती हूँ अबू अल अंसारी रजी अल्लाह से तो सब वाकफ़ हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अबू अल अंसारी रजी अल्लाह के घर में आके ठहरे हैं मदीना मुनवरा में तो किसी को मालूम है कितने महीने उन्होंने उनके घर में ख़्याम किया था एक महीना दो महीने तीन महीने कितना अरसा ठहरे होंगे रसोल्ला अबू अयुबाल रजियाल्लाहू के घर में सात महीने ठहरे थे, थे। सात महीने एक लंबा वक्त है सात महीने ठहरे थे, थे और अबू अयूब अलंसारी रजियलाहू का घर दो मंजिला था तो पहले जब वो तशरीफ लाए और ऊटनी उनके घर के सामने बैठ गई और ये फैसला हो गया कि अब ये इन्हीं के मेहमान है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने ऑफर किया कि आप ऊपर की मंजिल में रहिए तो कुछ दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर की मंजिल में ठहरे हैं फिर उन्होंने उनसे कहा कि मेरे लिए ज्यादा आराम नीचे की मंजिल में है इसलिए कि मेरे अब मुझसे मुलाकात के लिए आते रहते हैं और उनका घर से गुजर कर ऊपर आना वो बहुत मुश्किल और तकलीफ दी है और अब ऐबलसारी मेरिड थे और लेकिन उनके बच्चे नहीं थे वो और उनकी अहलिया एक अकेले घर में थे तो अब अल अंसारी से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं नीचे वाली मंजिल में रहूंगा और आप ऊपर रहोगे तो उन्होंने कहा कि वल्ला ही या रसूल मैं कैसे ऊपर रह सकता हूँ और आप नीचे हूँ ये कैसे हो सकता है ये मुझसे ये नहीं हो सकता कि मैं ऊपर हूँ और आप नीचे हूँ तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बार बार कहा तो वो मान गए अब वो दोनों मिया बीवी ऊपर शिफ्ट हो गए और रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम नीचे रहने लगे सात महीने उनके घर में रहे एक दफा ऐसे हुआ कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम नीचे वाले हिस्से में थे और अबू अब अयूबल ऊपर के हिस्से में थे और उनका पानी का जो घड़ा था ना वो टूट गया और सर्दी थी और सर्दी का मौसम और कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिससे वो उस पानी को ड्राई करते और पानी काफी ज्यादा था जो बह गया तो उनके पास सिर्फ एक लिहाफ था और उन्होंने उस पानी के ऊपर अपना लिहाफ डाल दिया और वो दोनों मियाँ बीवी पूरी रात सर्दी में बगैर लिहाफ के ठिठरते रहे लेकिन इस ख्याल से कि पानी जो है वो छत से टपकी और अलैहि वसल्लम नीचे आराम कर रहे हैं उनको कोई तकलीफ हो या उनको गवारा नहीं था ये तो एक छोटी सी मिसाल है अब वो यू बल अंसारी रजील्ला के घर में जब खाना तैयार होता था तो उनकी ये आदत थी कि वो जितना खाना तैयार होता था ना सारे का सारा रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह के रख करते थे। फिर वसल्लम को जितनी उससे ख्वाहिश होती जितना उन्होंने खाना होता वो खा लेते लेकिन पूरे का पूरा खाना रखने का उनका भी एक मकसद था उसके पीछे भी उनकी एक नीयत थी वो ये थी कि जब खाना बच के वापस आता था तो जहां जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ लगाया होता था अल अंसारी उस जगह हाथ लगा के वहां से खाना खाया करते थे सुभान अल्लाह जो बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये कि एक दिन ऐसा हुआ कि खाना तैयार हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया खाना और उस खाने के अंदर हदीस के अल्फाज हैं या कच्चा प्याज है या कच्ची लहसुन है दो चीजें बसर है या थूम है तो उन दोनों में से रावी कहते वो बहुत स्ट्रांग थी वो कच्चा था पका हुआ नहीं था तो जब खाना गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खाना नहीं खाया खाना वापस आ गया जब खाना वापस आया तो अबू अल अंसारी तो बहुत परेशान हुए वो फौरन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए और उनसे वजह पूछी कि आपने खाना क्यों नहीं खाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह बता दी कि इसमें ये चीज है यानी लहसन है या प्याज है जिसकी बू की वजह से मैं मैंने खाना नहीं खाया तो वो कहते हैं तो या रसूल अल्लाह हराम हुआ क्या ये हराम है अः हराम हुआ या रसूल अल्लाह क्या ये हराम है तो ने जो जवाब दिया वो बहुत जबरदस्त है फरमाया ना किन्नी उनाजी जी मन ला तुना जी वाला किन्नी जी मन ला तो ना जी वजह यह है कि मैं उससे सरगोशियां करता हूं जिससे तुम सरगोशियां नहीं करते हो मुराद जबरी यानी वो मेरे पास आते रहते हैं और मैं उनसे बातें करता हूं और जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ये नजवा है ये नज़वा जो है लफ्ज़ पुरानी मजीद में भी इस्तेमाल हुआ है तो, तो फरमाया कि मैं उससे सरगोशियां करता हूँ जिससे तुम सरगोशियां नहीं करते हो तो यानी तो ये कहते हैं कि ऐसा नबी के जो फरिश्तों को भी अपने मुंह की बदबू से तकलीफ देना पसंद नहीं करता था यानी यानी ये यानी इस वाके से ओलमा ने ये बात लिखी है कि उस नबी ने अपनी उम्मत की तरबियत की है वो कि जो अपने मुंह की सिर्फ खाने की जो एक स्ट्रॉन्ग स्मेल है उससे फरिश्तों से भी हया करता था कि उनको भी उससे तकलीफ ना पहुंचे बहरहाल जब अबू अंसारी को यह तो पता चल गया कि हराम चीज नहीं है हलाल है जायज़ है लेकिन रसूल वसल्लम ने इस वजह से नहीं खाई और जाहिर है अब अंसारी का तो एक और मकाम है और उनका एक और मकाम है तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हारे लिए जायज है हलाल है ऐसी कोई बात नहीं है अब ऐब अल अंसारी कहते हैं फला जारामा या रसूल अल्लाक रहू अल्लाजी तक रहू अल्लाह के रसूल मजायका कोई नहीं है हरज कोई नहीं है लेकिन जिस चीज को आप ना पसंद करते हैं उसको मैं भी ना पसंद करता हूं मैं भी ये नहीं करूंगा और कहते हैं कि अब ऐब अंसारी ने उसके बाद से कभी भी इस तरह का खाना जिसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल हो वो नहीं खाया रदी अल्लाह इसको कहते हैं मुहिब यानी जो मुहिब है जो सच्चा सच्ची मोहब्बत करने वाला है उसकी मोहब्बत दरअसल उस मैार पर पहुंचती है और अगर आप में से किसी ने देखा हो अबू अबू ऐबारी र्लू का मज़ार और उनका मकाम उनकी मरकद है कि सुबहान अल्लाह जैसे मदीना मुनवरा में रसोल्लाम के रोज़ा की ज्यारत होती है और हर वक्त वहाँ पर अः सलाम दुआ पेश किया जाता है ऐसे ही अबू अब के, के मकाम के ऊपर हर वक्त दुआ होती है और उनको सलाम पहुंचाया जाता है इतना बड़ा मकाम उनको ये मिला तो इसमें जो सबक है इस वाक़े के अंदर वो ये है कि यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत का और सफाई का जो कॉन्सेप्ट दिया है इस्लाम के अंदर वो इतना स्ट्रॉन्ग है और इस तरह से अपने सहाबा की तरबियत की है कि उनको फिर खुद तहारा बहुत अच्छी तरह से आती थी और उनको पता था कि क्या चीज़ कैसे करनी है और किस तरह से करनी है और जिस तहारत सफाई और पाकिजगी को हासिल करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत की उन्होंने उसको हासिल करके दिखाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर एक और अहम मसला इसमें यह भी है कि इसी नबी रहमत ने उम्मत को तहारत के मसाइल तफसील से समझाए और ये भी हम पर उनकी रहमत है यानी जब हम कहते हैं रहमत आलमीन तो लिल आलमीन की रहमत के जितने भी पहलू हैं उनमें से एक पहलू ये है के तहारत के मसाइल जो बात इंसान कहता है कि निजी मसला है प्राइवेट मसला है किसी इंसान का कि वो अपने जिसम को कैसे साफ करता है उसको अगर बोल बराज पेशाब पखाना कुछ होता है तो वो कैसे उससे फारिग होता है इसको निजी मसला नहीं करार दिया ये भी एक फिर मसला है और इस पर उम्मत की तरबियत की है और बहुत अच्छी जहनी फिक्री और जिसमानी तरबियत की है और ये उनकी रहमत में से है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के जितने भी पहलू उनमें से एक पहलू ये बहुत अहम है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम बहसीत मुसलमान इस तस्वुर से वाकिफ हैं और हम तहारत को समझते भी हैं तहारत हासिल भी करती है वगरना हम भी दूसरी कौमों की तरह जानवरों की सी जिंदगी गुजारने पर ही फख्र महसूस कर रहे होते आप खुद अंदाजा लगा लीजिए जिन कौमों या जिन अफराद के यहाँ टॉयलेट के अंदर पानी के इस्तेमाल का कोई तस्वुर नहीं है आप उनके जीनियस होने को क्या कहेंगे ठीक है कुछ चीजों के बारे में या बहुत सारी चीजों के बारे में आप कह सकते हैं लेकिन ये जो एक बुनियादी चीज है कि टॉयलेट के अंदर पानी का इस्तेमाल ये कितनी चीज है जो हमें सिखाई गई है रसुल्लाम के सिखाने के और सिखाने के जो एहसानात हैं उनका उन पर हम वाकई उनके शुक्रगुजार हैं अल्लाह मसल सद ना मुहम्मद फिर इसी तरह से आप देखिए कि मोमिन की जिंदगी में उसमें उसके दिन का आगाज जो है वो तहारत से शुरू होता है जब रसोल्ला वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में उसकी जो सुबह ही है उसमें बरकत रख दी गई है तो वो बरकत कैसे हासिल होती है वो तभी हासिल होती है जब एक मुसलमान मर्द या औरत जब उठती है तो सबसे पहले तहारत हासिल करते हैं और अल्लाह के रसूल ने यह भी बताया सल गुण गुण, कि जब तुम सोकर उठो तो अपना हाथ अगरचे तुम्हें पाक लग रहा हो लेकिन तुम पानी में नहीं डाल दा, सकते इसलिए कि तुम्हें नहीं पता सोते सोते में हाथ कहाँ कहाँ पहुंच जाए तो पानी की बाल्टी हो अब हालात मुख्तलिफ हैं लेकिन अगर पानी की बाल्टी है तो उसमें डायरेक्ट हाथ नहीं डाला जा सकता जब सो, सुबह सोकर उठते हैं उसमें से पानी निकाला जाएगा हाथ धोया जाएगा फिर उसके बाद अपना हाथ इस्तेमाल किया जा सकता है इस हद तक तहारत का यमाम किया गया है फिर इसी तरह से रसोल्ला ने इसी तहारत के साथ साथ निगाहों की तहारत का हुक्म दिया और इस पर थोड़ी सी बात पहले हो चुकी है आ, लेकिन दोबारा इस पर तवज्जो देने की जरूरत है कि निगाहों की तहारत में जलवत और खलवत की तहारत में इसका भी ख्याल रखा जाए और एक और अहम चीज वो ये है कि तहारत के आदाब सीखते हुए हया का ख्याल रखना ये भी इस्लाम ही का मिजाज है यानी वो सारे मसाइल सीखने हैं जो प्राइवेट हैं और जिनको इस तरह से ओपनली उनसे बात नहीं हो सकती लेकिन इसके बावजूद भी वो सीखे जाएंगे लेकिन हया का ख्याल रखा जाएगा बल्कि इस्लाम तो इस हद तक तरबियत करता है कि इस्लाम ने हमें यह सिखाया कि लिबास बदलने के आदाब क्या हैं कितना हिस्सा जिसम का किसी दूसरे के सामने एक्सपोज हो सकता है और कितना नहीं हो सकता एक तो है ना कि भाई मतलब मर्द औरत और 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 दो अलग चीजें हैं लेकिन मर्द के हिस्से का भी कितना है और, और औरत के हिस्से का भी कितना है औरत औरत के सामने भी कितना हिस्सा खोल सकती है और मर्द मर्दों के सामने भी कितना हिस्सा खोल सकता है इस चीज को भी इस्लाम ने बहुत क्लियरली बताया है फिर इसी तरह से हयादारी का पास रखते हुए यहां तक यह तरबियत मिलती है कि अपने जिसम को तन्हाई के अंदर भी खुलाना रखा जाए बगैर किसी जरूरत के अगर इंसान अकेला है कोई भी उसके अंदर कमरे के अंदर नहीं है फिर भी उसका नंगा रहना ये इंतहाई नापसंदीदा अमल है कि वो कहे कि चलो कोई कोई नहीं देख रहा तो लिबास उतार के वो बैठ जाए ये शैतानी अमल है बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया जाना चाहिए हती के बच्चों के जिस्मों को भी बिला जरूरत ना खोला जाए ये भी तरबियत हमें इस्लाम से मिलती है जो हयादार माएँ होती हैं और जो अपने बच्चों को हया का कॉन्सेप्ट देना चाहती हैं वो दूसरों के सामने अपने बच्चों की नैपी बिन तब्दील करती हैं यानी बचपन ही से ये ख्याल रखा जाए कि उनका जिसम किसी दूसरे के सामने ना खोला जाए अगर चाहे वो बच्चा ही क्यों ना है लेकिन जिसको देखने की जरूरत नहीं उसको देखने की जरूरत नहीं है बस माँ को देखने की जरूरत है वो देख ले वो अपने बच्चे को साफ कर ले, लेकिन किसी दूसरे के सामने यानी इस तरह से ऐसा खूबसूरत मॉडल है जो इस्लाम देता है कि अगर शुरू से ही ये कॉन्सेप्ट बच्चों को मिले और खुद माँ को भी पता हो तो किस कदर बेहतरी आ सकती है लेकिन मुश्किल ये है कि उम्मत सहूलत पसंद हो गई और फिर एक और चीज ये भी आती है कि जैसे ये आगे चल के ज्यादा तफसील से आएगा कि कभी कभी वाइप्स इस्तेमाल करके बच्चों को पाक कर दिया जाता है साफ कर दिया जाता है और समझा जाता है कि पाकी हो गई है नहीं पाकी होती है ये अलग बात है कि बच्चा अभी बच्चा है और उसके लिए वो वाले नहीं है चीजें लेकिन अगर बच्चों की तरबियत अच्छे तरीके से करनी है तो उनको भी पानी से धोना जरूरी होता है ये सहूलत के लिए है जैसे वाइप्स कर लिए टिश्यू कर लिए कुछ कर लिया टिश्यू जो है वो पानी का मुतबादल नहीं हो सकता इस पर आगे चल के तफसी बात होगी एक अहम नुकता यह भी है सिलसिले में रसोलसम ने भी नए कुछ आदाब मुकरर किए हैं जैसे रफा हाजत है रफा हाजत तो सब समझते हैं ना अगर मैं ये टर्म इस्तेमाल करूँ यानी पेशाब या पखाने से जब इंसान अपनी तभी ज़रूरतों से फारग होता है या इसी तरह से गौसले जनाबत है या किसी भी तरह का डिस्चार्ज है जो जिसम से होता है की शक्ल में हो या निफास की शकल में हो यानी रेगुलर पीरियड्स हैं औरत के वो हो या आफ्टर बर्थ जो ब्लीडिंग होती है वो हो तो इन सब अहकाम को सिखाते हुए भी इस्लामी आदाब और हया का ख्याल रखा जाएगा इसके अंदर भी तहारत है यानी ठीक है हम मसाइल सीख रहे हैं लेकिन उसके अंदर भी तहारत का कॉन्सेप्ट जो है वो रहेगा और ताहिर तरीके से इन मसाइल को सिखाया जाएगा दुरुस्त हासिल किया जाना है लेकिन जिस उसलूब को इख्तियार किया जाए जिस तरीके से बात की जाए और आप देखें कुरान मजीद में जहाँ कहीं भी ये मसाइल सिखाए गए हैं अः अलू नही हुआ अजन फात यानी इतनी बड़ी बात को इतने छोटे से लफ्ज के अंदर हयादारी के पर्दों में लपेट लपाट के सामने रख दिया गया और इतना कुछ उसके अंदर बयान भी कर दिया गया कुल अजन अल्लाह सुबहान तारा जो सबसे बढ़कर हयादार हैं और वो अपने नबी मोहम्मद को और उनकी उम्मत को तालीमत दे रहे हैं कैसे यानी इतनी बड़ी बात लेकिन इतने मुख्तर अल्फाज के अंदर हया के तकाजों को सामने रखते हुए कुल हुआ अजन एहिस औरतों से अलग रहो और ये अजा है अब उसकी तफसील जो है वो सामने फिर आगे इन आगे चल के आती चली जाएगी तो पॉइंट ये है कि आदाब का ख्याल रखना अगरचे हम वो मसाइल सीख रहे हैं कि जो जिनका सीखना जरूरी है जिसमें हया का पहलू सामने रखेगा र, रखा जाएगा अब एक और चीज जो अहम है वो ये कि हमारी सोसाइटी में बहुत अजीब तरह के रवैये पाए जाते हैं उसमें से एक तो ये है कि बात वाले खुद तहारत के आदाब और मसाइल से वाकिफ नहीं होते या इंडिया पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ और मुख्तलि कल्चर्स के साथ मिलकर रहने से कुछ ऐसी अजीब व गरीब चीजें हमारे उस यहाँ आ गई हैं कि जिनका इस्लामी तहारत के तस्वुर से कोई ताल्लुक ही नहीं है कुछ अजीब तरह के कॉन्सेप्ट हैं और फिर ये भी है कि कभी कभी ये कहा जाता है कि ऐसी बातें भी हैं जो बच्चों को सिखानी है हमें बिठा के या हमने खुद सीखनी है और उसको कभी झिझक कभी शर्म हालांकि ये वो फिक है कि जो हर मुसलमान के लिए लाजिम है कि वो सीखे मर्द हो या औरत हो दोनों के लिए सीखना जरूरी है वालदे पहले खुद इन चीजों से वाकफियत हासिल करेंगे फिर अपने बच्चों को सिखाएंगे खास तौर पर बलुगत की उम्र को पहुंचने वाले बच्चों को लड़कियां हों तो तब भी लड़के हों तो तब भी अब वाले को ये डिसाइड करना है कि उन्होंने कौन से मसले किसको किस वक्त सिखाने हैं ये वालदे को पता होना चाहिए मसला अगर लड़के को जो बलूगत की उम्र को पहुंच रहा है उसको कितने सारे मसाइल हैं जो माँ सिखा सकती है लेकिन अगरचे वो माँ है लेकिन कितने सारे मसाइल हैं जो बाप को सिखाने चाहिए वो माँ को नहीं सिखाने चाहिए बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बेटे को बताए कि अब तहारत के आदाब ये और ये होंगे ऐसे ही बेटी है तो माँ उसको सिखाए कि तहारत के आदाब ये और ये होंगे और शुरू से ही उनकी तरबियत कर दी जाए अब जब मैं मुख्तफ जगहों पर पढ़ाती हूँ तो खातिन मेरे पास आती भी हैं वो मसाइल वो बात भी करती हैं और बहुत दफा ऐसा होता है कि उनके बच्चे और उनकी बच्चियाँ ये मसाइल अपने दोस्तों से सीखते हैं बल्कि अक्सर वत ऐसा होता है कि माओ ने ना बैठ के अपने बच्चों को समझाया होता है ना बापों ने अपने बच्चों को चीजें बताई होती हैं वो फ्रेंड्स से सीखते हैं अब फ्रेंड्स ने क्या सीखा या उनको क्या पता है वो आपको नहीं पता उसमें क्या गलत है क्या सही है और बहुत सारी गलत ऐसी चीजें होती हैं जिससे बाजोकात बच्चे गैर शोरी तौर पर गलत चीजें अडॉप्ट कर लेते हैं गलत रास्तों पर चल निकलते हैं बहुत सारी गलत चीजें होने लग जाती हैं और इसमें भी एहतियात करने की जरूरत होती है और फिर दूसरी तरफ हाँ मैं ये बात कर रही थी कि खुवात तो वो मेरे पास आती हैं वो कहती हैं कि आ, हमें पता था हमें अपनी बच्ची को ये बात सिखानी है लेकिन आ, हमें तो शर्म आई हमने तो सिखाई नहीं है कौन सा हमारे वालदेन ने हमें सिखाई थी हम भी तो सीख ही गए ना तो उसका जवाब ये होता है कि जिस गलत तरीके से या जिस नामुनासिब तरीके से या जिस तरीके से भी आप सीखे आप क्यों अपनी औलाद को उसमें डालती हैं आप खुद सीखिए और अपने बच्चों की खुद तरबियत कीजिए आप खुद उनको सिखाइए कि कौन से आदाब और कौन से सही तरीके हैं जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है और दूसरी तरफ एक और पहलू ये भी है कि बाज बाज लोगों के नज़दीक शर्म हया का कोई तस्वूर ही नहीं है वो खुलम खुला हर तरह की डिस्कस कि हम जी अपने बच्चों के साथ बहुत ओपन है हम तो हर मसला डिस्कस कर लेते हैं हम तो हर बात कर लेते हैं वो भी एक, एक एक्सट्रीम है एक ये एक्सट्रीम है कि झिझक और शर्म में कुछ भी ना सिखाया जाए और एक वो एक्सट्रीम है कि हर बात खुलेआम की जाए इस्लाम हमें दरमियान में लेकर आता है और बताता और सिखाता है कि किस तरीके से हमने इन सारी चीजों को समझना है और करना है तो ये चीज हम समझेंगे कि जो मसाइल माँ के अपने बच्चों को सिखाने के हैं वो माँ सिखाए और जिस उम्र पर पहुंचकर अब बाप की जिम्मेदारी है कि वो लड़कों को ये ये मसाइल सिखाए उसको वो सिखाने चाहिए और कई मसले ये भी सामने आए कि बाप को तवज्जो भी दिलाई गई और उसके बावजूद भी बाप नहीं हिम्मत करता और वो नहीं सिखाता है तो फिर क्या किया जाए तो फिर उस मसले का हाल ये होगा कि फिर माँ ही सिखाएगी ये नहीं है कि वो शर्म के मारे वो कुछ ना सिखाए वो अपने माँ ही सिखाएगी लेकिन बच्चों को भी ऐसा ना समझा जाए कि वो बिल्कुल डम है और उनको कुछ पता नहीं है बच्चों को माँ बाप से भी बाजों का ज्यादा पता होता है और सही तरीके से उनकी रहनुमाई कर दी जाए जितने मुनासिब अल्फाज इस्लामी अदब को सामने रखते हुए मोहतात अंदाज में इस्तेमाल करके उसको सिखाया जा सकता है उसको सिखाया जाना चाहिए और इसी तरह से एक अहम बात यह भी है कि शादी से पहले बच्चों और बच्चियों दोनों को तहारत के मसाइल सिखाना यह भी वालदे की जिम्मेदारी है और उनको बताया जाए कि कौन कौन सी चीजें और पहारत के लिहाज से उनके लिए अब लाजिम हो जाएंगी और किस तर, किस किस तरीके से उन्होंने इसको डील करना है और फिर इस्लाम में उसकी अहमियत क्या है ये चीज भी सामने रखी जाए कि भाई हमारा तो अगर गसल सही नहीं हुआ है तो नमाज ही सही नहीं हो रही है हम तो ताहिर नहीं है तो हम तो अब रोज़ा भी नहीं रख सकते हम तो तिलावत भी नहीं कर सकते यानी कुरान को नहीं छू सकते कितनी अहम चीज़ है ये सारी चीजें सीखना बहुत जरूरी है अब देखिए कि नबी अलैहि अला की जिंदगी में सहाबा आते थे और मसाइल सीखते थे ने कहकर वक्त लिया और अलैहि सल्लम से मसाइल सीखे कुछ मसाइल ऐसे थे कि जो रसोल्लात को डायरेक्ट नहीं बताए वो आती थी और उमहातुलमोमिन से पूछा करती थी फिर उमहतुलमोमिन रसोल्ला से उस मसले का जवाब लेके फिर उनको सिखाया करती थी तो सिखाया सब कुछ क्या है लेकिन एक अदब हया के तकाजों को सामने रखते हुए ये सारी बातें उन्हें सिखाई गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो नबी सलम की वफ़ात के बाद सहाबा, की खिदमत में आकर उनसे फिक्री मसाइल पूछा करते थे और उसके अंदर बहुत सारे तहारत के मसाइल हुआ करते थे अब देखे ना कि कितना मुकदस रिश्ता है सहाबा के दरम्यान और उमहातुलमिन के दरम्यान अगरचे उम्मतिन कई सहाबा से उम्र में कम है और सहबा जो हैं वो उम्र में भी ज्यादा हैं इल में भी उनसे हैं इस लिहाज से लेकिन वो आते थे सहाबियात के पास वो महातुलमोमिन के पास और उनसे आकर मसाइल सीखा करते थे तो उम्मत की माओ और साहबा के दरमियान जो माँ और एक रूहानी बेटे का ताल्लुक है वो बरकरार है एहतराम बरकरार है और उसमें भी तफक्न में कोई झिझक नहीं है और मसायल को समझाया और सीखा जा रहा है फिर ये भी बात वाजे रहे कि उमहहालमोमिन ने वो सारी फिक, खास तौर पर सयदा आयशा से देखा रजिय उनके उनकी हालात जिंदगी तो जब आप पढ़े तो पता चलता है जितना तफक् उनके पास था दीन का और जितनी समझ थी उसके पेश नजर उन्होंने फिर वो सारे मसाइल बाद में सिखाए हैं बल्कि कोई कॉन्सेप्ट अगर किसी सहाबी का नहीं था क्लियर तो वो कहा करती थी कि अल्लाह तला उनके ऊपर रहम फरमाए मामला यूं नहीं यूं था वाक्य यूं नहीं यूं था इसलिए ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा हुआ था फिर उन्होंने उसको क्लियर किया तो उन्होंने वो सब चीजें सिखाई लेकिन किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर सल्लल्लाहु सल अलैहि वसल्लम की और अपनी निजी जिंदगी के मामले में कोई तकरीर नहीं की है उसमें भी हया का पहलू जो है वो सामने रखा ये नहीं है कि बस अब ओपननेस के नाम पे और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे या जो जो चीजें भी उसमें आती हैं उसके नाम पे उन्होंने किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निजी जिंदगी के बारे में या उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में और इस सब के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातिन की जिंदगी प्राइवेट लाइफ घर के अंदर की जिंदगी उतनी ही ज्यादा रोशन और वाजे है जितनी उनकी पब्लिक लाइफ थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह और ये किसी किसी और लीडर के नजदीक या उसकी जिंदगी में ये चीज नहीं मिलती है तो ये अहम चीजें थी जिसको हमें समझना था अलहद ला के उम्मत की बेहतरीन रहनुमाई हुई और रसुल्लम ने और हम उनके बे इनतहा मशहूर हैं उनके जो एहसानात हैं बेहसी एक उम्मती के मेरे और आपके ऊपर और फिर उसके बाद अजवाज मतःहरात के अल्लाह त से राजी हो रिजवानल अल्लाह त सबसे राज़ी हो अजवाज मतहरात और फिर सहाबा कराम रिजवानल्ला उन सबसे राजी हो अल्लाह ताला उनको बेहतरीन जजा हम सब की तरफ से अता फरमाए कि उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया और हमें ये सारे मसाइल सिखाए सि अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि ये जो गंदगी का जिक्र करते हैं या नजास्त का जिक्र करते हैं इसकी कितनी किस्में हैं तो उसमें एक है इनर प्योर इंप्योरिटी दाखिली गंदगी यानी गंदगी नजास्त इम्प्योरिटी इसको कह सकते हैं अंदर की गंदगी मसला पसीना पेशाब चाहे वो पखाना हो या पेशाब हो नाक या जिसम के किसी भी हिस्से से कोई बलगम का निकलना या किसी भी तरह का गंदा डिस्चार्ज होना यह सब उसमें आ जाता है और दूसरी किस्म है खारजी गंदगी यानी आउटर इम्प्योरिटी उसमें कौन सी चीजें आती हैं उसमें आता है गर्दो गुबार कीचड़ खून अपना या किसी दूसरे की नजासत का जिसम के ऊपर लग जाना या लिबास के ऊपर लग जाना तो ये दोनों तरह की जो नजासतें हैं चाहे वो इनर हो या आउटर हो उनसे हासिल उनसे तहारत हासिल करने के लिए जो सबसे लाजमी और अहम चीज है वो है दरअसल पानी और पानी का भी पाक होना शर्त है और अल्लाह ने इस पानी से हर चीज को पैदा किया वी कुल्लश इन हर चीज को पानी से पैदा किया गया है और पानी ही से तहारत हासिल की जा सकती है पानी के अलावा अगर कोई शख्स कहे कि वो दूध बहुत अह, अहम है और दूध के साथ या किसी शरबत के साथ या किसी और चीज के साथ वो तहारत हासिल कर ले नहीं हो सकता पानी लाजमन लाजमी है किन चीजों से तहारत हासिल की जा सकती है उसमें सबसे पहला पानी है और अगर पानी मैसर ना हो तो फिर उसका कैम मकाम मट्टी होगी वाजे पानी पाक पानी और उसके बाद मट्टी फिर उसके बाद दो अहम इस इस्तेलाहात हैं मैं उसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ साथ, साथ एक है हदस अकबर और दूसरा है हदस असगर हदस यानी इम्प्योरिटी है नापाकी है एक है बड़ी नापाकी और एक है छोटी नापाकी और बड़ी नापाकी हो या छोटी नापाकी हो इन दोनों को दूर करने के लिए पाक पानी जरूरी है और अगर पानी मैसर नहीं है तो उसका मतबादल मट्टी होगा उसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसका मकाम या उसकी जगह ले सकती है अब पाक पानी की भी कुछ आ, उसकी भी कुछ त, वज, वजाहते हैं या उसकी भी कुछ तारीफ है हम पहले उसको देख लेते हैं पाक पानी बजाते खुद पाक है और हर नापाक चीज को पाक कर देने की सलाहियत रखता है और यह दरअसल अल्लाह सुबहानो एहसान है कि उसने पानी दिया और पानी ही को प्योरिटी या पाकि या तहारत हासिल करने का बड़ा सबब बनाया है पानी पाक पानी जो अपनी असली हालत पर बरकरार हो जैसे बारिश का पानी पाक पानी है समंदर का पानी नदी नाले का पानी बर्फ से पिघलने वाला पानी जमीन से खुद ब खुद निकलने वाला पानी या किसी भी मोटर पंप से या किसी भी आले से निकाले जाने वाला पानी अगर जो वो पानी मीठा हो या नमकीन हो गर्म हो या ठंडा हो कोई फर्क नहीं पड़ता हर तरह का पानी ये जो मैंने आपको बताया है ये ये पानी सब पाक है यही वो पाक पानी है समंदर का पानी जी मैंने कहा है समंदर समंदर दरिया नदी नाले सब इसमें आ जाएंगे जी तो वो पाक पानी जिससे तहारत हासिल करना जायज है और उसके लिए ही ये अल्लाह वाल सूर्य अलफुर्कान में फरमाया कि हमने आसमान से पाक करने वाला पानी नाजिल किया तो अब उसकी मुख्तलिफ ज़मीन से निकले या आसमान से उतरे या उसकी जो भी शक्ल हो वो सब पानी पाक हो अगर पानी में कोई ऐसी चीज गिर जाए जो नजस नहीं है नजस यानी नापाक पानी में कोई ऐसी चीज गिर जाए जो नजस नहीं है तो पानी पाक ही रहता है मसलन अगर पानी के अंदर गर्दो गुबार तिनके पत्ते कोई धात या कीड़े मकोड़े ऐसे कीड़े मकोड़े के जिनमें बहने वाला खून नहीं है मसलन मक्खी या मच्छर या चूंटी वगैरह वो गिर जाए तो पानी नापाक नहीं होता है नंबर दो बहता हुआ पानी हर हाल में पाक है बहता हुआ पानी हर हाल में पाक है अगरचे उसके अंदर नजासत गिर गई हो लेकिन पानी अगर बह रहा है तो वो पाक है अब आप लोग शायद ये कहेंगे कि हम तो यहाँ रह रहे हैं इंग्लैंड में और यहाँ पर तो ऐसी कोई सूरत पेश नहीं आती इंसान को पानी तो टूटियों में अवेलेबल है और हम तो नलका खोलते हैं तो पानी बस बहने लग जाता है तो एक दो चीजें जहन में रखिए वो ये कि आराम और सहूलतें दायमी नहीं है हालात बदलते देर नहीं लगती एक चीज तो ये है थोड़ी थोड़ा सा पीछे जाके देखें आ, सीरिया के लोग भी आराम और सुकून में थे और जगह जगह से चश्मे उबला करते थे और इतना वाफिर पानी मौजूद था लेकिन हालात क्या हो गए दूसरी बात यह कि बाजा इंसान किसी ऐसी सिचुएशन में होता है कि जहां पर उसके पास या तो वाफिर पानी मुहैया नहीं होता दस्तियाब नहीं होता या जो है कि पानी अगर होता भी है तो हमें नहीं पता होता कि उसकी प्योरिटी या इम्प्योरिटी को हम कैसे फैसला करें कैसे समझें कि पाक है या ना पाक है उस में अगर हमने तहारत हासिल करनी है या जो भी उससे वजू वगैरह करना है तो उसके लिए भी पानी के मसाइल हमें मालूम होने चाहिए तो याद रखिए बहता हुआ पानी पाक है अगरचे उसमें नजासत शामिल हो गई हो मसलन अगर उसमें कोई मुर्दार भी गिर जाए या उसमें कोई दरिंदा पानी पी लेता है या उसमें खून आ जाता है कोई भी चीज उसमें आ जाती है तो अगर जो वो पा, पानी में नजासत गिरी है लेकिन चूंकि पानी बह रहा है और बहते पानी के साथ वो चीज बह जाती है और उससे पानी पी लेना उससे वजू कर लेना या वसल कर लेना या अपना कोई कपड़ा पाक करना ये सब जायज है खड़ा पानी पाक है उस सूरत में कि अगर उसके अंदर कोई नजासत शामिल नहीं हुई है तो ठीक है यानी कोई झील है या कोई छोटा सा तालाब है या कोई गड़ा ही है जिसमें पानी खड़ा हो गया है अगर आपको यकीन है कि इसके अंदर कोई नजासत नहीं गिरी है जैसे बारिश का पानी अगर किसी जगह जमा हो जाता है अगर उसके अंदर कोई नजासत नहीं गिरी है तो वो पानी पाक है उससे सब किया जा सकता है उसके साथ एक शर्त है कि अगर उसके अंदर नजासत गिर गई है और यकीन है कि नजासत गिर गई है तो फिर वो नापाक होगा यानी यकीनी शक के ऊपर नहीं होगा किसी को शक है कि नजासत गिरी है। अगर शक है तो फिर उसकी असल जो है वो ता, ताहिर है शक की बिना बिना पर उसको नापाक नहीं करार दिया जा सकता पानी से तहारत नहीं हासिल की जा सकती नज़स पानी वो है कि जिसका रंग या मजा नजास्त की वजह से तब्दील हो जाए जी नजस पानी वो है कि जिसका रंग या मजा या बू नज़ासत की वजह से तब्दील हो जाए चाहे वो कम हो या ज्यादा हो इस पानी से तहारत हासिल नहीं की जा सकती नजस पानी उस वक्त पाक हो जाता है जब उसकी तब्दीली को जायल कर दिया जाए मसलन अगर एक बड़ा बड़ी मकदार में पानी है तो उसमें से अक्सर पानी निकाल कर पाक पानी उसके अंदर या साफ पानी डाल दिया गया है तो अब उसकी अक्सरियत हो गई है तो वो सारा पानी पाक हो जाएगा ठीक है और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं कि शक पर नहीं फैसला होगा पानी की असल जो है उस पर एतबार किया जाएगा क्योंकि असल तहारत है इसलिए शक को झुटला दिया जाएगा अगर किसी को शक है कि इसमें कुछ गिर गया है तो शक जो है वो यकीन के ऊपर गालिब नहीं आ सकता यकीन शक के ऊपर गालिब आएगा या फिक की अतलाह है ऐसी सूरत में वो पानी इस्तेमाल किया जा सकता है ऐसे ही अगर पाक कपड़े पर नजासत या हराम चीज लगने का शुभ हो जाए और उसके अलावा कोई दूसरा कपड़ा मैसर ना हो तो इश्तिहाद करके नमाज अदा कर ली जाएगी शुबा को रद्द कर दिया जाएगा शक जो है ना उसको इस्लाम ने अहमियत नहीं दी है इसलिए कि शक दरअसल शैतान की तरफ से है जब तक कि यकीन ना हो जाए अगर यकीन है तो फिर तो जाहिर है फिर तो उसको रद्द कर दिया जाएगा लेकिन शक के ऊपर एतबार नहीं किया जाएगा इसी तरह से अगर कसीर पानी हो और उस कसीर पानी में नजासत गिर जाए और उसमें से कुछ पानी निकाल दिया है और उस निजासत की रंग उसका जायका और उसका बू उस पानी के ऊपर गालिब नहीं आया तो पाक पानी समझा जाएगा अब ये जो कसीर पानी है उसकी अः उसको कैसे माना जाएगा कि कसीर पानी कितना है और खलील पानी कितना है उसके लिए ने दो असलाहत बयान की हैं। वो ये कहते हैं कि इमाम मालिक रही ने जो फता फतावा दिए हैं वो दरअसल मदीना मनवरा में रहते थे और मदीना मनवरा में पानी की कसरत नहीं थी उन्होंने जो फतावा दिए हैं उनके नजदीक दो पानी के बड़े मटके अब मटके से मतलब अब आप टैंकी कह सकते हैं यानी अब टैंकियों के साइज भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं लेकिन एक मुनासिब साइज की टैंकी अगर वो दो टैंकियां हों उसको दो मटके तो वो कसिर तादाद होगी अगर इतना पानी हो और उसके अंदर कोई नजासत गिर जाए तो फिर वो पानी पाक होगा कि चूंकि वो थोड़ी नजास्त उस पूरे पानी के ऊपर गालिब नहीं आई है लेकिन अगर पानी उससे कम हो और उसके अंदर कोई निजात गिरी है तो फिर पानी नापाक होगा इमाम अबू हनीफा रही क्योंकि वो दजला और फरात के किनारे रहते थे उनके नज़दीक पानी ज्यादा है यानी उनके पास तो वाफिर पानी जो है वो वो था उनकी जो फिक है उसके अंदर पानी की मकदार ज्यादा है वो कहते हैं कि ज्यादा पानी यानी दो मटके उनके नजदीक तो साठ दस मटके हों तो तब जाके पानी ज्यादा है तो अब इस एतबार से, से देखा जा सकता है कि इंसान कहाँ रह रहा है और उसके उसके पास पानी कितना अवेलेबल है पर अगर उसके पास पानी की बहुत कमी है और उसमें फिर जो एतबार किया जाएगा वो इस तरह से किया जा सकता है तो इसमें ये चीज सामने आ जाएगी उसके बाद एक अहम पानी के हवाले से बात यह है कि इस्तेमाल शुदा पानी के बारे में शरीयत क्या कहती है तो अगर किसी बर्तन में या किसी गटर में या किसी गड़े में किसी भी जगह पे ऐसा पानी जमा हो गया है कि जो सिर्फ पाक चीजों का धोवन है मसलन ुजू का पानी जो बह गया या कपड़े धोए हैं और वो कपड़े पाक कपड़े थे नापाक उसके अंदर नहीं थी वो पानी बह गया या बर्तन धोए हैं या सब्जी धोई है या, या फर्श धोया है वो पानी किसी गढ़े में जमा हो गया है तो वो पानी पाक कंसीडर किया जाएगा ऐसा तो पानी अगर हाथ या कपड़े पर लग जाए तो हाथ या कपड़ा नापाक नहीं होता लेकिन उससे तहारत हासिल नहीं की जा सकती वो तो पानी बजाते खुद पाक है, लेकिन उससे पाकी हासिल नहीं की जा सकती पानी ताहिर है लेकिन मुताहर नहीं है पानी ताहिर है अगर वो पानी आपके हाथ पे लग गया या कपड़े पे लग गया तो ये नहीं कि अब आप अपने कपड़े सारे बदल लें कपड़े पाक रहेंगे लेकिन वो पानी मुताहर नहीं है उससे वजू या गसल नहीं किया जा सकता ये फिफ की अतला है

वो हा का वो वो माँ लफ्स ही एक मुख्तलिफ लफ्स है तो यहाँ पर दरअसल फिक के इस में शक से मतलब यानी आपको ये शक है कि इसमें पेशाब का छींटा पड़ गया या इसमें खून का छींटा पड़ गया या ऐसी कोई चीज है तो उस शक को गालिब नहीं आने दिया जाएगा अगर यकीन ये हो कि पानी पाक है तो उस तरह से उसको उसके ऊपर नहीं किया जाएगा ये तो पानी के मसाइल हो गए अब उसके बाद मट्टी के मसाइल हैं पाक मट्टी पाक मट्टी जिसमें रेत मट्टी पत्थर गर्दोगुबार अगर इतना गर्द किसी सरफेस के ऊपर या किसी भी जगह के ऊपर जमा हो जाए तो वो भी मट्टी का कायम मकाम होता है ये सब उसमें दाखिल है अलबत् मट्टी उस वक्त वजू या गुसल के कायम मकाम होगी जब पानी मैसर ना हो या पानी मयसर तो हो लेकिन उस पानी को हासिल करने में जान का खतरा हो मसलन अगर पानी जो है वो कुछ फासले पे है और हमें लगता है कि हम उस पानी को लेने के लिए गए तो हमें हमें जान का खतरा होगा कोई दरिंदा है या कोई दुश्मन बैठा हुआ है जो हमारे ऊपर हमला कर देगा तो पानी मयसर है लेकिन उस पानी को हासिल करना मुमकिन नहीं है तो फिर मिट्टी से तैयम किया जाएगा और दूसरी बात इसमें यह है कि या उस पानी के इस्तेमाल से कोई बीमारी लगने का खतरा हो अगर कोई बीमारी लगने का कोई खतरा नहीं है यानी जान को कोई खतरा नहीं है बीमारी की शक्ल में हो या वैसे हो तो उस सूरत में फिर मिट्टी को इस्तेमाल किया जा सकता है वगरना पानी ही से तहारत हासिल करनी होगी अगर पानी ना मिले तो फिर तुम पाक मट्टी से तयम कर लो यह बिल्कुल वाज हुक्म है सुरान फोर्टी थ्री के अंदर आता है पत्थर के मुताबिक है कि पत्थर अगर आपने है तो साफ भी हो सकता है ना पत्थरों पे तो तो, तो गर्दों को कुछ नहीं है तब भी हो कभी आप उसको पानी का, का पानी का कायम काम है जी सॉरी मट्टी का कायम का काम है मट्टी का कायम बेनी पत्थर हो या मट्टी ना भी हो साफ पत्थर भी मट्टी जैसा है ना जी, जी।, जी

तो तो पानी बहुत तो थोड़ा होता तो इतना इनाफ डस्ट नहीं होगा उसके ऊपर सीट के ऊपर अगर पानी मैसर है चाहे वो थोड़ा ही है जहाज के टॉयलेट में पानी तो होता है तो उस थोड़े से भी वजू किया जा सकता है जो वजू के जो मसाइल आ रहे हैं ना मैं आपको उसमें एक वीडियो भी दिखाऊंगी आपको के सही वजू का तरीका क्या है और कितने कम पानी से वजू किया जाना चाहिए मुमकिन है आप लोगों ने भी देखी हो यानी वजू में कम से कम पानी इस्तेमाल किया जाना चाहिए गसल में ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल किया जाना चाहिए जी। तो जी वजू के लिए तो इस 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 बोतल से भी आठ वजू हो सकते हैं तीन मरतबा भी किया जा सकता है बस आपने उसको अच्छे से गीला करके उसको अच्छी तरह से उसको वाइप करना है मैं आपको दिखाऊंगी इन शुरुआत

और दीवार जो बनी है ना उसकी बनावट में पानी इस्तेमाल हुआ है नहीं, इस नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं पानी के काम नहीं। मैंने देखा दे दे है, है कि दीवार के ऊपर वो कहते हैं कि उसके ऊपर डस्ट है तो वो उस डस्ट को वो करके अपने हाथों से लगा के तो वो इस्तेमाल आ हाँ जी रेत मट्टी पत्थर और गोबार यानी गुबार से मतलब गोबार जिसको सही गुबार कहते हैं जो वाकई डस्ट है कि जो जिसकी जमी हुई है जिसको वो कहें तो वो वो उसके ऊपर तो नहीं, नहीं मिट्टी नहीं है लेकिन पत्थर जो है उसकी इजाजत है कोई भी पत्थर कोई भी पत्थर हो सकता है ठीक है हाँ उसके ऊपर आपका हाथ आना चाहिए यानी आप अपने हाथ को मैं तयम के बफायल आगे चल के बताऊंगी तयम कैसे करना है तयम का तरीका भी करके बताऊंगी किस तरह से करनी है आगे चले रिकॉर्डिंग भी हो रही है साथ तो फिर इनशाला मैं उसके बाद आपके सवाल लेती हूँ अब उसके बाद अगली चीज है वो जो अहम है वो है एक है अभी वैसे मैं कह चुकी हूँ हदस असगर और हदस अकबर यानी बड़ी इम्प्योरिटी और छोटी इम्प्योरिटी यानी नापाकी तो इसमें इसका भी तफसील से जिक्र आगे आएगा लेकिन इसमें जो बात समझने की है वो ये है कि हदससे अकबर जिन उमूर से गुसल फर्ज हो जाता है जिन चीजों से गुसल फर्ज हो जाता है वो हदस अकबर कहलाता है असगर है जिन चीजों से वजू लाजिम आता है वो हदसे असगर कहलाता है हदस अकबर यानी जिनसे गसल फर्ज हो जाता है मसलन खून का अखराज हो गया या आ, ये जो होता है जनाबत का या का हो सकता है ऐसे म्यूट कर दीजिए प्लीज तो इसमें इस चीज इस का ख्याल रखा जाएगा और हदस असगर है कि जो वो वो चीज वो नापाकी के जो जिससे सिर्फ वजू होता है मसलन पेशाब कर लिया पखाना आ गया या हवा का इखराज हो गया इस तरह की जो इंप्योरिटी है उसको असगर कहते हैं अब उसके बाद हम देखते हैं कि नजासत और उसकी अकसाम और उसके अहकाम क्या हैं। तो जैसा कि हम ये समझ चुके कि नजासत दरअसल गंदगी और नापाकी को कहते हैं और गंदगी और नापाकी से आलूदा होने की जो हालत है वो नजस है यानी इम्प्योरिटी है नापाकी है और इसलाह में ऐसी हुक्मी कैफियत ऐसी हुक्मी कैफियत जो इबादत की अदाई में रुकावट डालने का सबब हो यानी आप पाकी हासिल किए बगैर वो इबादत कर नहीं सकते उसको भी नजासत कहते हैं नजासत की दो किस्में हैं हदसी और हदसी और 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 अकबर उसमें फिर एक दो और किस्में आ जाती हैं उनमें से एक है नजास्त हकीकी और एक है नजास्त खफीफी या नजासत हकीकिया और नजासत खफीफिया दोनों तरह से इसको पढ़ा जाता है हकीकिया और खफीफिया या खफीफा निरासत हकीकी है कि वो निजास्त के जिसको आंखों से देखा जा सके जो नजर आए मसलन हकीकी है हकीकी है जिसको देखा जा सके मसलन पेशाब है पखाना है गोबर है दरिंदों का मुंह का लुआब है यानी जंगली दरिंदे जो होते हैं उनके मुंह का लुआब है उनका पेशाब है उनका खून है ये सब चीजें उसमें आ जाती हैं और निजास्त खफीफा जिसमें पेट से गैस का निकलना है और उसके अंदर हलाल जानवरों का पेशाब या उड़ने वाले परिंदों की बीट वगैरह भी आती है ये खफीफा है वाजी हो गया यानी हवा वगैरह का गैस का अखराज जो कि नजर नहीं आता महसूस किया जा सकता है या या स्मेल किया जा सकता है, हलाल जानवरों का पेशाब वगैरह या उड़ने वाले परिंदों की बीट वगैरह ये नजास्त ख़फ़ीफ़ा में आती है अच्छा अब अगर जिसम से गैस का अखराज होता है तो उस सूरत में तो वजू काफी है गसल लाजिम नहीं है लेकिन अगर यही जो आपको बताया अभी के हलाल जानवरों का पिशाब या उड़ने वाले परिंदों की बीच ये अगर कपड़े या जिस्म के ऊपर लग जाए तो अगर उस उज के या उस कपड़े के चौथाई हिस्से से कम है तो उससे नमाज पढ़ी जा सकती है बगैर धोए जी मैं फिर बताती हूँ कि ये जो खफीफी नजास्त खफीफा का हमने देखा है कि जिसमें हलाल जानवरों का पेशाब वगैरह अगर उज्व पे लग जाए मसलन हाथ पे लग गई और हाथ या पूरा जिसम तो नहीं ना जिसम हाथ एक उज्ब है या टांग एक उज्ब है या पाँव एक उज्व है अगर उस हाथ के चौथाई हिस्से से कम पर लगी है मसलन ये सिर्फ इतने हिस्से के ऊपर लगी है यहाँ इतने हिस्से पे लग गई है जो चौथाई हिस्से से कम है तो फिर वो धोए बगैर भी नमाज अदा की जा सकती है Osionfish. या अगर कपड़े के ऊपर लगी है तो जिस कपड़े के ऊपर लगी है उसके चौथाई हिस्से से कम है तो फिर नमाज अदा की जा सकती है लेकिन अगर चौथाई या उससे ज्यादा है तो फिर उसको धोना जरूरी है चौथाई या उससे ज्यादा है हाँ तो, तो अगर, तो हा, अगर कपड़ा जो है कपड़ा तो उसका चौथाई हिस्सा जी अगर चादर है या कमीज है तो उसका चौथा हिस्सा अगर चौथे हिस्से से कम है तो फिर ठीक है लेकिन अगर चौथा हिस्सा या उससे ज्यादा है तो फिर उसको धोना पड़ेगा और जितना हिस्से पर लगी है उसको पकड़ के धो दिया तो पाक हो गया ये नहीं है कि पूरा कपड़ा धोएंगे तो पाक होगा वो पाक हो जाएगा और एक नजासत है जो नजासत गलीजा है और नजास्त गलीजा दरअसल बदन से निकलने वाली वो चीजें कि जिनसे वजू और गसल वाजिब हो जाता है उसमें आदमी का यानी किसी इंसान का पेशाब और पखाना उसमें बहने वाला खून उसमें हैज का खून और निफास का खून दोनों आ जाते हैं और उसमें जख्मों की पीप भी आ जाती है जख्मों की पीप भी ये उसमें आती है निजास्त गलीजा में गलीजा और हकीकी में थोड़ा सा फर्क है सॉरी नजास्त खफीफा और नजास्त गलीजा में फर्क है लेकिन हकीकी और गलीजा एक ही बात है हकीकी कहें या गलीजा कहें एक ही बात है जिन जिसको इंसान देख सकता है टर्म्स हैं जो मुख्तलिफ़ तरह से इस्तेमाल होती हैं लेकिन वो कि जिसको इंसान देख सकता है ठीक है भी है आ, वो भी टर्म है एक हुकमी यानी शरीयत ने जिसके लिए हुक्म दिया है कि उसको दूर किया जाए उसको कहते हैं और वो गलीजा भी है गलीजा भी हो सकती है इसी तरह से मर्द के जिस्म से निकलने वाली मनी या उसके अलावा कोई डिस्चार्ज और मुर्दार के जिसम से निकलने वाला खून सुअर का गोश्त हर किस्म की शराब उन जानवरों का पेशाब और गोबर जिनका गोश्त खाना हराम है ये सब निजास्तें गलीजा में आते हैं और जिसको दूर करना जरूरी है इसको दूर किए बगैर न जिसम पाक होता है ना कपड़ा पाक होता है नंबर पांच है कुत्ते का लुआब ये भी नजास्त गलीजा में है कुत्ते का लुआब अगर किसी बर्तन या किसी कपड़े पर लग जाए तो उसको सात मरतबा धोया जाए और पहली मरतबा मट्टी से धोया जाए इसी तरह से दरिंदों का लुआब भी है यानी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं जो हराम है उनका भी लुआब इसी में आएगा तो लोहाब खून और उनका जी पखाना वगैरह भी पेशाब पखाना भी जाता है, तो है। नापाक हो अगर बर्तन हो तो उसको एक दफा मट्टी से साफ कर लिया जाए और फिर उसके बाद उसको धो लिया जाए अगर कपड़ा हो तो आप उसको पानी से साबुन वगैरह से साफ कर लें तो पाक हो जाएगा इस इसको खास तौर पर अलग क्यों किया गया है फिख में यानी कुत्ते के लुआब के बारे में खास तौर पर क्यों कहा गया इतना क्यों है उसकी वजह यह है कि कुत्ता वो जानवर है कि जो अमूमन घरों के अंदर या रखवाली की सूरत में रखा जाता है तो रखने में कोई हर्ज नहीं है अगर कोई इंसान उसको रखवाली के लिए हिफाजत के लिए पहरादारी के लिए रखना चाहता है लेकिन उसके लुआब से और उसके पेशाब से बहुत एहतियात की जाएगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसको सही अल बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में अः रिवायत किया गया है कि तुम में से किसी के बर्तन आ, में अगर कुत्ते का मुंह कुत्ता मुंह डाल दे और वो उसमें से पी ले या सिर्फ मुंह डाले तो सात बार उसे धोए और पहली बार मट्टी से धो ले ये हदीस है सही अलबुखारी की और सही मुस्लिम की भी जिसम या कपड़े पर लगी नजासत पानी के धोने से जायल हो जाती है अलबत्ता अगर जूते या मोजे पर नजाशत लग जाए तो उसे जमीन पर इस तरह रगड़ दिया जाए कि नजासत का असर जायल हो जाए तो वो जूता पाक हो जाएगा और मोजा भी पाक हो जाएगा धोने की जरूरत नहीं है जूते के ऊपर या मोजे के ऊपर अगर नजासत लग जाए तो उसको जमीन पर रगड़ने से पाक किया जा सकता है मोजे से मुराद वो लैदर के मोजे हैं इसका भी आगे तफसीली आएगा मसाह के लिए कौन से मोजे इस्तेमाल होते हैं और उसमें भी शर्त यह है कि एंकल छुपा हुआ हो चखना छुपा हुआ हो तो जूते के ऊपर या मोजे के ऊपर अगर नजाजत लग जाए तो उसको पाक करने का तरीका ये होगा कि उसे जमीन पर इस तरह रगड़ दिया जाए कि नजासत का असर जायल हो जाए यानी जाहिर नजासत चली गई या जूता पाक हो गया धोने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर कोई शख्स उसको धो भी ले तो कोई हरज नहीं है धोया भी जा सकता है लेकिन एक तकल्लुफ है तो शरीयत ने हमें ये रुख्सत दी है कि अगर उसको जमीन पर रगड़ा जाए तो जमीन चूंकि मट्टी है ना तो मट्टी भी पाकी का हुक्म रखती है तो मट्टी से पाकी मट्टी पा, मट्टी से पाकी हासिल की जा सकती है इसको इस तरह से किया जाएगा अच्छा बस दस कितना वक्त हमारे पास है तो 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 ठीक है इंशाल्लाह शाह फिर हम चंद चीजें और हैं आगे उसको हम देख लेते हैं उसमें अगला पॉइंट जो है वो आ रहा है कि इस्लाम ने हमें हाजत के क्या आदाब सिखाए हैं फ़जाई हाजत तो आप समझ रही है ना मुझे बार बार उसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है टर्म है ख़जाई हाजत यानी जब हम बोलो बराज यानी पेशाब पखाना के लिए जाए तो उसका क्या तरीका है तो उसमें एक लफ्ज पहला आता है वो है कि चाहे पेशाब हो या पखाना हो उससे फारिग होने के बाद स्तंजा करना और इस्तंजा सिर्फ पानी से हो सकता है टिश्यू पेपर से स्तंजा नहीं हो सकता टिश्यू पेपर को आप यूं कह सकती हैं कि जिस जो फिक की टर्म है जिसकी जिसको इस्तिज़मार कहते हैं इस्तिज़मार, इस्तिजमार ये है इस्तिज्मार, इस्तिज्मार के जाहिर है पहले वक्तों में पानी भी इस तरह से और घर में बाथरूम भी नहीं टॉयलेट नहीं हुआ करते थे तो जब खुली जमीन में बाहर रिफाई हाजत के लिए जाया जाता था तो हर वक्त पानी साथ उठाना मुश्किल होता था तो ढेले से या पत्थर से अपने जिस्म को साफ करना या खुश करना इसको इस्तेजमार कहते हैं अब टिश्यू इसका कायम मकाम हो सकता है का लेकिन या टिश्यू का इस्तेमाल पानी के हुक्म को जायल नहीं करता यानी ये नहीं है कि वो वो कर लिया तो हमें पानी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है ये सबसे अहम और बुनियादी चीज है बहुत सारे लोगों का और लोगों ने आके मुझसे कहा भी कि उनका ख्याल था कि जब वेट टिश्यू इस्तेमाल कर लिया है तो बस काम हो गया जरूरत नहीं है गीला टिश्यू इस्तेमाल कर लिया वाइफ किस्म का पानी मौजूद है लेकिन वाइप सा इस्तेमाल कर लिया या टिश्यू गीला करके इस्तेमाल कर लिया तो बस तहारत हो गई ऐसा नहीं होता उससे तहारत नहीं होती है फिर इसी तरह से बाथरूम या टॉयलेट वगैरह में जब दाखिल होते हैं तो उसमें भी जिन आदाब का ख्याल रखना रखा जाना चाहिए उसमें सबसे पहला अदब यह है कि बैतुलखला में जाते वक्त पहले कौन सा पाँव अंदर रखा जाएगा बाया पाँव अंदर रखना यह सुन्नत है और दाखिल होने से पहले दाखिल होने के बाद नहीं है दाखिल होने से पहले अपना पाँव अंदर डालने से पहले बिसमिल्ला कह लेना यह भी सुन्नत है और अल्लाह मनुबी काबूसी वबाइश ये पढ़ लिया जाए सैल बुखारी की हदीस है कि अल्लाह ताला मैं खबूस और खबाइस से पनाह मांगती हूँ इसलिए कि बैतुलखला जो है क्योंकि नापाकी की जगह है और ख़ास तौर पर अगर टॉयलेट और वाशरूम्स इकट्ठे हैं तो फिर भी अगर अलग हो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर इकट्ठी हो तो उसमें और ज्यादा एहतियात की जानी चाहिए तो उसमें इसका ख्याल रखा जाए और फिर बैतुल से निकलते वक्त अपना दाया पाँव पहले बाहर निकाला जाए और बाहर निकलने के बाद फिर कहा जाए ओफरानक यानी बाथरूम के अंदर नहीं बोला जाएगा ये भी सुन्नत रसूल वसल्लम से है और आप सबको मालूम है कि आज से कुछ अर्सा पहले शायद हम में से बड़ों ने तो देखा भी होगा कि पहले बैतुल खला जो है वो घर से बाहर हुआ करते थे ना कि कमरों के अंदर हुआ करते थे और ये दरअसल इस्लामी तरीका है अभी भी आप जाए ना जो, जो इस्लामी पुरानी सिविलाइजेशन है उनके अंदर बाथरूम जो है बाहर है ये दरअसल ये हमारी तालीमात है ये जो अटैच बाथरूम वाला ये दीन का वो नहीं है लेकिन जाहिर है अब हम भी उस उसी उसी के साथ ही हैं सब ये इस्लामी मुल्कों में भी ऐसे ही बन रहे हैं बगैर सोचे समझे यहाँ तक कि टॉयलेट सीट्स का भी ख्याल ही रखा जाता कि उनकी बैक जो है किबला की तरफ हो रही है या उनका रुख किबला की तरफ हो रहा है इसका भी ख्याल नहीं रखा जाता तो ऐसा नहीं होता था घरों के अंदर इनकी मौजूदगी खास तौर पर कमरों के अंदर इनकी मौजूदगी के बेशुमार नुकसान हैं शैतानी हमले वसवसे जिन्नात और शर की मौजूदगी घरों में बरकत का उठ जाना ये सब इसबाब हैं कोशिश की जाए कि एक तो ये कि बाथरूम्स और टॉयलेट को बहुत ज्यादा साफ रखा जाए और दूसरा ये कि दरवाजे हर वक्त बंद रखे जाए क्योंकि ये शयातीन की और जिन्नात की जगह होती है फिर इसी तरह से टॉयलेट के इस्तेमाल में एहतियात और छींटों से बचने का अहतमाम बहुत जरूरी है यानी पेशाब के छींटों से अपने आप को बचाना और टॉयलेट के इस्तेमाल में एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहे पेशाब हो या पखाना हो एक्स्ट्रा केयरफुल होना कि किसी भी तरह की कोई छींट या कुछ ना जिसम पे लगे ना कपड़ों पे लगे और एहतियात करने की जरूरत होती है और देखा यह गया है कि माओ की चूंकि कुछ तरबियत हुई है ना तो वो उस मा, मामले में खुद तो बहुत केयरफुल होती हैं लेकिन बच्चों के मामले में बहुत ढीली डाली हो जाती हैं हम अपने बच्चों को उस सख्ती से तहारत के आदाब नहीं सिखाते जो सिखाए जाने चाहिए मैं मैं समझती हूँ कि अगर बच्चों को शुरू से ही जो चीज़ें सिखानी है उसमें दो चीजें बहुत बुनियादी हैं एक तहारत के आदाब खास तौर पर टॉयलेट का इस्तेमाल और उनके जिसम का जो डिस्चार्ज है उसका उनको अवेयरनेस देना मैं नहीं समझती कि माँ इस बच्चों की इस स्टेज में उनसे नावाकिफ रह सकती है माँ को पता होता है बच्चों की जिंदगी में क्या हो रहा है और माँ जब उनके कपड़े ही वॉश करती है तब भी वो उनको देख सकती है कि उससे भी उसको समझ आ जाती है कि बच्चे इस वक्त किस फेज किस हालत में है तो उसमें शर्म के बजाय बच्चों को बिठा कर समझाना कि किस तरह से अगर कपड़ा गंदा भी हो गया है तो कैसे उसको उस बास्केट में ना डाला जाए जिसमें बाकी कपड़े डले हैं उसको अलग से वॉश करके अलग से उसको रखना यह जरूरी है कि नजासत जो है वो जायल की जाए ये बहुत जरूरी है कि ये आदाब उसको सिखाए जाए उनको सिखाए जाए एक तो ये टॉयलेट का इस्तेमाल और छीटों से बचने का और अपने आप को पाक करने का तरीका और दूसरा झूठ से नफरत वो बच्चों में बहुत यानी जुबान की तहारत और जिसम की तहारत ये दो बहुत बुनियादी चीजें हैं बाओत हम नमाज पे जोर दे देते हैं कि बेटा बेटी नमाज पढ़े हैं कि नहीं पढ़े उस पर डांटे चले जा रहे हैं नमाज नहीं पढ़ते नमाज नहीं पढ़ते ये दो बुनियादी चीजें हमने उनको नहीं सिखाई होती ये नमाज से भी पहले सिखाइए ये बहुत जरूरी है कि दो चीजों में बेटा हो या बेटी वो इसमें बहुत ही ज्यादा इसको इसको सीख जाए फिर इसी तरह से हमारा दीन हमें यह भी सिखाता है कि अगर बिल्फर्स कवर्ड जगह नहीं है प्रॉपर टॉयलेट वगैरह नहीं है तो अगर किसी ज, बाहर जगह पे जाया जाए तो वहां पर अगर ख़जाए हाजत की जरूरत पेश आया जाए तो उसमें क्या आदाब है हमें तो बहरहाल उससे वास्ता नहीं पड़ता लेकिन इस्लाम ने हमें उसके भी आदाब सिखाए हैं और उसके आदाब में से एक ये है कि लोगों की नजरों से ओझड़ होके बैठा जाए और दूसरा ये कि कोई नरम जमीन ढूंढी जाए ताकि छींटे ना उठे और छींटों से बचा जाए फिर इसी तरह से ये भी मना है कि किसी भी तरह के बाथरूम में मुसहफ को अंदर लेकर जाया जाए ये मना है मुसहफ अंदर नहीं ले जाया जा सकता और गुसल करते हुए और वजू करते हुए किसी तरह की कोई आयत या कलमा तयबा या बिस्मिल्ला नहीं पढ़ी जा सकती बहुत लोगों को ये होता है पाक कर रहे हैं जी तीन दफा कलमा पढ़ना है कोई यानी आपको सिर्फ पानी से पाक करना है बिसमिल्ला पढ़ के और कलमा पढ़ के पाक नहीं करना है सिर्फ पानी ने पाक करना है जो कुछ भी आपने पढ़ना है बाथरूम से बाहर पढ़िए तो इस तरह से नहीं किया जा सकता फिर इसी तरह से ये बात भी बहुत अहम है कि जब बाथरूम में हो तो वहां बातचीत ना की जाए कि इंतहाई जरूरत हो इंतहाई जरूरत हो और ऐसी सूरत में हदीस हमें यह बताती है कि किरामन कातिबीन को अंदर आना पड़ता है और वो फिर लानत करते हैं ये नापसंदीदा अमल है हमाम यानि बाथरूम के अंदर कोई ऐसी चीज़ लेकर जाना जिसके ऊपर अल्लाह ताला का नाम लिखा हो ये भी मना है मसलन मसला खा, खास तौर पर खुतिन वो वो पहन लेती हैं जिसमें अल्लाह लिखा होता है या पूरी, की पूरी लिखी होती है उसके ऊपर और वो लेके उसके साथ ही गसल होता है उसके साथ ही टॉयलेट वगैरह पे ये इस्लामी आदाब के खिलाफ है ऐसा नहीं करना चाहिए फिर और अहम चीज़ वो ये है कि खुद भी और अपने बच्चों को भी ये सिखाइए कि दाहे हाथ से अपनी शर्मगाह को ना छूए और इस वगैरह भी ना करें इल्ला कि इंतहाई मजबूरी हो और मजबूरी मैंने आपको शुरू में जो असलाहत बताई हैं वो उसमें जाहिर है कि जब इस हो तो उसमें फिर एक रुख मौजूद है लेकिन अदरवाइज ऐसा नहीं है तो इसको भी किया जाए फिर बिला जरूरत वॉशरूम में बहुत देर तक नंगे ना रहा जाए जितनी जल्दी वाशरूम से फारे हुआ जा सकता है मसलन इतमान के साथ लेकिन गौसल करते हुए जितनी जल्दी इंसान अपना इतमान हासिल करके निकल आए वो जल्दी निकल आए कि ये दरअसल शैतानी वसवसों का और बहुत सारी खराबियों का मूज हो सकता है इससे भी एहतियात करनी चाहिए आ, सलाम का जवाब देना जब कोई इंसान पेशाब या पखाना वगैरह कर रहा हो तो यह है। अगर कोई सलाम करे भी और आप किसी ऐसी हालत में हैं तो उसके उसका जवाब नहीं दें ऐसा शख्स हाजत से फारिग होने के बाद वजू करे फिर सलाम का जवाब दे इसलिए कि अलैकुम दरअसल अल्लाह का नाम है और अगर पूरा कहेंगे तो फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने इस हालत में सलाम किया कि जब आप रफ हाजत से फारिग हो रहे थे और अभी वजू नहीं किया था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और फिर जब फारिग हो गए और फिर उसके बाद वजू किया और फिर उसके बाद उसको जवाब दिया और फिर ये तालीम भी दी कि उस वक्त मुझे सलाम का जवाब नहीं देना था ठीक है फिर उसके बाद एक और अहम हुक्म है वो ये हाजत के वक्त किबला की तरफ चेहरा करना या पीठ करना यह सख्त मना है इस चीज का भी ख्याल रखा जाए और अगर कोई कमोड ऐसी शक्ल में या इस पोजिशन में बना हुआ है कि जिसमें किबला की तरफ रुख हो रहा है या किबला की तरफ पीठ हो रही है तो मुमकिन हद हाँ तक ऐसी पोजिशन में बैठने की कोशिश की जाए कि जो ना पीठ हो और ना ही किबला हो किबले की तरफ मुंह मशहूर हदीस है अय्यूब रजी अन्हु इसको रिवायत करते हैं वो कहते हैं कि हम शाम गए शाम के मुल्क में तो वहाँ टॉयलेट्स बने हुए थे तो जिनका रुख किबले की तरफ था और फिर वो कहते हैं कि हमने इसके बारे में पूछा तो वसल्लम ने हमें बताया कि अपने रुख को मुमकिन हद तक मोड़ने की कोशिश करो और वो कहते थे कि हम उसको इस्तेमाल करते थे लेकिन साथ ही साथ हम इस्तिग़फार करते रहते थे यानी दिल ही दिल में इस्तिग़फार करते रहते थे ये दोबारा से आ रहा है कि पेशाब या पखाना को अगर टिश्यू पेपर से साफ किया है तो उसके बाद पानी का इस्तेमाल करना जरूरी है अगर पानी इस्तेमाल नहीं किया तो वजू नहीं हुआ जी। तो वो तो इस वो तो फिर वो तो में आ जाता है ना? फिर तो तैयार किया जाएगा और अगर मिट्टी भी मौजूद नहीं है तो फिर उसका कायम मकान इशू हो सकता है चूंकि वॉशरूम ऐसे बने हुए हैं ना कि साथ ही टॉयलेट भी तो है नहीं।, नहीं कहा जाए नहीं कहा जाए दिल दिल में कह सकते हैं लेकिन पहले कह लिया जाए यानी बाथरूम में जाने से पहले अगर कह लिया जाए तो इस तरह से ठीक है लेकिन जुबान से अदा नहीं कर सकते दिल ही दिल में कह लें जैसे कि अय्यूब की जो हदीस है वो तो दिल, दिल में इस्तिग़फ़ार करते थे यानी उस दिल ही दिल में इस्तिग़फ़ार से मुराद दरअसल उनका ये एहसास है कि वो ऐसा सही नहीं है और वो अल्लाह ताला से तौबा कर रहे हैं इस तरह से जी दिल ही दिल में जिसको हम कहते हैं आदमी पर यह वाजिब है कोई मुसलमान मर्द औरत बाल उस पर यह वाजिब है कि तुमाम नजासतों से ज़ाहरी हो ये और बतनी हो अपने आप को पाक और साफ रखे खास तौर तो पर ज़ाहरी नजास्तों में से पेशाब पखाना खून और पेशाब की छींटों से बहुत ज्यादा एहतियात बरती जाए इस सिलसिले में एक हदीस है जो बहुत ही मशहूर हदीस है अब्दुल्ला इबनी अब्बासको रिवायत करते हैं और वो कहते हैं कि रसोल्ला दो कब्रों के दरमियान के पास से गुजरे जिन्हें अजाब दिया जा रहा था और फिर रसोल्ला फरमाया कि इनको अजाब दिया जा रहा है और इसकी वजह क्या है एक पेशाब की छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगली खाता था चुगल खोट था और फिर रसोल्लाम ने एक हरी टहनी मंगवाई और उसे दो हिस्सों में काटा और कबर पर गाड़ दिया और फरमाया तो है कि जब तक ये नहीं सूखेंगी इनका अजाब हल्का रहेगा صحيح البخاري اور مسلم کی یہ حدیث ہے تو بس یہاں تک ہم ان شاء انشاءاللہ جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ